Wind is blowing at a speed 72 kilometer per hour, and a flag on the boat flutters along northeast direction. If boat starts moving at a speed 51 kilometer per hour to the north, what is the direction of flag on the mast of the boat? So in this question, what is the direction of flag? जब बोट चलना स्टार्ट करती है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड. एक्चुअली फ्लैग कहना चाहिए पर विंड कहेंगे. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट. विंड की जिधर रिलेटिव वेलोसिटी होगी बोट के रेस्पेक्ट में, उस डायरेक्शन में जो फ्लैग है वो फ्लटर करेगा. तो समथिंग लाइक उसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं. ये हम टॉप व्यू से देख रहे हैं. सो आई होप सही से बन गया है. ओके सो नेक्स्ट थिंग इज विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मीन्स एट दिस एंगल. ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा. फिलहाल मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो थीटा लिख दिया. थीटा 45 है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड. ओके अब जो बोट है, बोट स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ. ये सीधा सीधा आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट. तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फाइंड करना होगा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट. ये हो जाएगा, वेक्टर साइन लगा देते हैं, थोड़ा सा और साइंटिफिक लगता है. ओके सो वी हैव ऑलराइट. तो अब टेन फाइव निकाल लेंगे. ये रहा फाइव. उसके लिए इसे फिर से मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज वी बी. अब मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो वी बी लिख सकता हूँ. वी डब्ल्यू बी एंड ये वाला देखिए पैरेललोग्राम बना है. पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो पैरेललोग्राम बना है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी. And it was VW. यहाँ पे resultant phi है. Now what is this angle? Phi यहाँ है actually. And what is this angle? ये theta है, ये 90 minus theta, ये 90 minus theta है, तो ये 90 minus theta है. 90 minus theta. अब VW के दो component बना लो. एक ये होगा which is v w sin theta होना था, 90 minus theta. And other one, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा v w cos 90 minus theta. तो जो tan phi की वैल्यू होगी that will be equal to this. देखिए इसे ऐसे साइड से देखेंगे आप, this is perpendicular एंड दिस इज बेस. ये हमारे इंटरेस्ट की साइड्स हैं. सो इट्स वैल्यू इज देयर वी डब्ल्यू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन दिस वैल्यू. पूरी वैल्यू में से पूरा वी बी है, पूरी वैल्यू में से इतना माइनस कर देंगे. सो वी बी माइनस वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा. एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन थी 45 डिग्री. ये हो जाएगा वी डब्ल्यू विंड 72 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. और कितना कितना बनेगा? इनफैक्ट उसकी ज़रूरत ही नहीं है. 90 माइनस थीटा 90 माइनस 45 कर देंगे तो 45 बचेगा. साइन 45 कॉस 45, तो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है. और अपॉन में वी बी 51 था और माइनस 72, ये कॉस 45 बचेगा.
cos 45 भी 1 बाई रूट 2। थोड़ी सी एलजेब्रा जो आप लोगों को पसंद नहीं है, अगर पसंद है तो कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया 51√2 माइनस द वैल्यू ऑफ √2 इज़ ऑल्सो गिवन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट विल बी 72 अपॉन 51 × √2, 51 × √2, √2 1.414 मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन ज़ा तो सबका इजी होता ही है। इसका 5 ज़ा याद कर लीजिएगा, 7070। ओके, इसमें 141 ऐड कर लेते हैं, सो इट विल बी 1127, 3 डेसिमल प्लेस। तो ये आ गया 72.1 राउंडिंग ऑफ करके माइनस 72, सो इट गिव्स अ वेरी लार्ज वैल्यू एक्चुअली, 72 अपॉन 0.1 विच इज नियरली इक्वल टू 720। ये 10 फाई की वैल्यू है, 10 की वैल्यू इतनी हो सकती है, बहुत हाई वैल्यू। तो बस फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 720, ये करीब करीब क्लोज टू 90 डिग्री का एंगल है। ये इतनी बड़ी वैल्यूज पे 90 डिग्री, मुझे इतना ध्यान है कि इसकी वैल्यू जैसी ही 4 और 10 पहुंचती है तो 80 डिग्री के लगभग हो जाता है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो इट इज़ 90 डिग्री मीन्स इट विल फ्लटर नियरली टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। दैट्स ऑल।